नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाले दो सगे नाबालिग भाई बहन अचानक लापता हो गए। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। वहीं दोनों नाबालिग की तलाश की जा रही है। मामला इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है। दरअसल कुछ दिन पूर्व अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक परिवार रहने आया था, जिनके दो बच्चे भी थे। गुरुवार को परिजन में थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उनका एक पुत्र और एक पुत्री दोनों नाबालिग हैं और घर से लापता हो गए हैं। पूछताछ में परिजन ने पुलिस को बताया कि वो कुछ दिन पूर्व मुंबई से रहने आए थे और बच्चों को यहाँ इंदौर में अच्छा नहीं लग रहा था। गुरुवार को दोनों अचानक से लापता हो गए। वहीं परिजन को शंका है कि दोनों बच्चे मुंबई चले गए होंगे। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी की धाराओं में मामला दर्ज किया है और दोनों नाबालिग बच्चों की तलाश की जा रही है। हाँ, कल एक सूचना मिली है कि दो सगे भाई बहन, लड़की लगभग 15-16 साल की और उसका छोटा भाई 12-13 साल का, ये घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। मुख्यतः ये मुंबई के रहने वाले हैं, उल्लासनगर के, और इनकी माँ अभी यहाँ कुछ दिनों से यहाँ रह रही थी। तो घर वालों को ऐसी शंका है कि ये इनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था इंदौर में, इसलिए हो सकता है ये वापस मुंबई चले गए हों। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, घर वाले भी इनकी तलाश कर रहे हैं और इसकी विवेचना कर रहे हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी।